स्टूडेंट्स इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। हम इस यूनिट के आज लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज यूनिट फर्स्ट। और टॉपिक है अभी हमारा स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री होती क्या है? स्टोकियोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मोल्स कॉल्ड स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डन द स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला काम हमारा जो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर होता है वो होता है राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें सबसे पहले जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन करना है। लिख लें भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो भी केमिकल चेंज हुआ है, फॉर द केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज है उसके लिए हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली। दूसरा जो स्टेप हम यहां पर करते हैं, राइट डाउन देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिलो फॉर्मूला। जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं भी उनके अंदर जो है आपने उनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, जो भी रिएक्टेंट है उसके नीचे उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट है उसके नीचे उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप वहां पर लिख लेंगे। थर्ड, राइट डाउन देयर मासेस, राइट डाउन देयर मासेस एंड वॉल्यूम इफ गैसेस, अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम, नहीं तो उसका मास, बिलो देयर फॉर्मूला। उनके फॉर्मूले के नीचे जो है
undefined undefined species. जो species हमें नहीं दी हुई है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे भी. अब स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के हम दो एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें करनी कैसे है, उसके लिए हम दो एग्जांपल के द्वारा यहाँ पर समझेंगे भी. सबसे पहला एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पर है बच्चे, वो एग्जांपल है भी कैलकुलेट द मास ऑफ लाइम प्रोड्यूस व्हेन 1500 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज बर्न्ड. कैलकुलेट द मास ऑफ लाइम प्रोड्यूस इफ 1500 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड. अगर हम 1500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, अब सबसे पहला स्टेप, वो स्टेप दिमाग में याद रखें. पहला स्टेप था राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये आपका लाइमस्टोन है सॉलिड में, इट स्ट्रॉन्गली हीटेड अबव और ग्रेटर देन 1173 केल्विन टेम्परेचर. इट विल गिव CaO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आपको प्रोवाइड करेगा. अब दूसरा स्टेप हमने क्या बोला था, राइट डाउन देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन से होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेकिंग पार्ट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन. यहां पर इसका एक मोल रिएक्ट किया, इसका एक मोल प्रोड्यूस हुआ, इसका एक मोल प्रोड्यूस हुआ. दूसरा हमने बोला था राइट डाउन द मास और वॉल्यूम. यहां पर हम इनके मास लिखेंगे, इसका मास है 100 ग्राम, इसका मास है 56 ग्राम, इसका मास जो है वो 44 ग्राम है. अब हमने रिलेशनशिप निकालना है इसके और इसके बीच में, क्योंकि मास दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड का, यूनिटरी मेथड लगा दें भी. यहां पर हम देखेंगे इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस लाइम कितना, 56 ग्राम. 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस लाइम 56 बाय 100 ग्राम और 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूस लाइम 56 बाय 100 इनटू में 1500, 20 से 20 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 840 ग्राम ऑफ लाइम इज प्रोड्यूस. अब जो है 840 ग्राम लाइम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब दूसरी तरफ जो है ये आपको एक और रिएक्शन देता है, एक और हम एग्जांपल लेके इसको यहां पर समझते हैं भी. दूसरा एग्जांपल हमारे पास है भी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड. 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ. तो क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 300 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन कंप्लीटली रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड.
अब यहां पर सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था आपको, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, CaCO3 प्लस 2HCl विल गिव CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब यहां पर दूसरा स्टेप, राइट डाउन द स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका एक मोल रिएक्ट किया, इसके दो मोल रिएक्ट किए, इसका एक मोल बना, इसका एक मोल और इसका एक मोल। राइट डाउन द मास और वॉल्यूम, तीसरा स्टेप हमारा है, इसका 100 ग्राम रिएक्ट किया, इसका जो है वो 73 ग्राम रिएक्ट किया। यहां पर हमारे पास जो है वो 111 ग्राम, ये जो है 18 ग्राम और ये 44 ग्राम। अब वॉल्यूम सिर्फ हम गैस इसका लिखेंगे और गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अब आपने इसके मास से इसका वॉल्यूम निकालना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखें, इसका 100 ग्राम इसका 22.4 लीटर प्रोड्यूस करता है। यूनिटरी मेथड अपना दें, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 22.4 लीटर। 1 ग्राम प्रोड्यूस 22.4 डिवाइडेड बाय 100 और आपका जो है 300 ग्राम प्रोड्यूस 22.4 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 300, जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 67.2 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। इस तरह से आप जो है वो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल जो है वो बच्चे कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट विच इज ऑल्सो कम इन ए स्टोकियोमेट्री। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, बस बहुत सिंपल सी बात है भाई, ए रिएक्टेंट विच कंप्लीटली रिएक्ट इन द केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट, ए रिएक्टेंट विच कंप्लीटली रिएक्ट इन ए केमिकल इक्वेशन, इन ए केमिकल इक्वेशन, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक होता है एक्सेस रिएक्टेंट और एक्सेस रिएजेंट, ए रिएक्टेंट विच लेफ्ट बिहाइंड इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बच जाए वो तो एक्सेस रिएजेंट, और जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए जब रिएक्शन कंप्लीट हुई हो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस तरह से जो है आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट फर्स्ट, दैट इज स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल इक्वेशन।